जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता, ये उसकी भावना है और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकती। हो सकता हो कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। देवरिया के फतेहपुर में हुए हत्याकांड के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मृतकों के घर पहुंचे। अखिलेश यादव सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के घर गए, दोनों जगह श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने प्रेमचंद यादव के परिवार से मुलाकात की, हालांकि सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे ने अखिलेश यादव से मिलने से इनकार कर दिया। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कुछ नेताओं पर बरगलाने का आरोप लगाया। ये देवेश जो सर कल मिलने वाला था, देवेश परिवार से मिलने गए, वहाँ एक भी सदस्य नहीं थे। कोई बात नहीं, देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है, कल तक देखिए मैं जानता हूँ और ये बात आप भी जानते हो, और जब मैं पहुँचा हूँ तो मैंने वो बाइट भी सुनी है, एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता, ये उसकी भावना है और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकती। हो सकता हो कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि देवेश शुरू से अखिलेश यादव से नहीं मिलना चाहता था। एक दिन पहले देवेश ने मिलने की बात कही, लेकिन दूसरे दिन उसने मना कर दिया। कहेंगे देखिए हमारे पास घर भी नहीं है, जो था वो तोड़ फोड़ करके हटा दिया गया है, कहाँ उनको हम स्वागत करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि दोनों परिवार से मिले, हम भी अपना बात रखें, वो भी अपना बात रखें, हमको न्याय मिलना चाहिए। हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के मंद बुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया। और सपा के सरकार में ही चार चार राइफल निकलवा लिया गया था, और सपा की सरकार में बंदूक के गोले नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। हमारा खेत हरदम कब्जा करा करके हरदम कटवाता अपना रखता था, गोली सटा करके हथियार सटा को सटवा करके हमारे पूरे परिवार को पीड़ित थे हम लोग थे। और इन स्कूल के ज़मीन में, वन विभाग के ज़मीन में अपना महल खड़ा कर दिया था। अच्छा, तो आप उनसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, हम मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनसे मिलना भी हमारा उचित नहीं है। हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारा जान माल का भी खतरा है। फिलहाल इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि आखिर देवेश ने अखिलेश से मुलाकात क्यों नहीं की। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।